नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A16 के वर्सेस Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A16 के में 6.46 इंच जबकि 10 Prime 2022 में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A16 के से कम है। विड्थ की बात करें तो A16 के में 2.97 इंच जबकि 10 Prime 2022 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A16 के में 0.31 इंच जबकि 10 Prime 2022 में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A16 के से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A16 के में 175 ग्राम जबकि 10 Prime 2022 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि A16 के से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A16 के में 6.52 इंचेस जबकि 10 Prime 2022 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A16 के में 720x1600 और 10 Prime 2022 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A16 के में 83% जबकि 10 Prime 2022 में 83.29% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A16 के में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 10 Prime 2022 में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A16 के में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और 10 Prime 2022 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A16 के में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 10 Prime 2022 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A16 के में पावरवर GE8320 जबकि 10 Prime 2022 में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A16 के में MediaTek Helio G35 और 10 Prime 2022 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो A16 के में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि 10 Prime 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A16 के में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 10 Prime 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A16 के में अप टू 1TB जबकि 10 Prime 2022 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी A16 के में 4230mAh जबकि 10 Prime 2022 में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A16 के में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 10,490 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,490 रुपीस में मिलता है। और बात करें 10 Prime 2022 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A16 के में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 10 Prime 2022 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 10 Prime 2022 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 है, दूसरा Infinix 08i है, तीसरा Oppo A15 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F12 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।